गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना। किरण एकेडमी का लाइव क्लासेस में आप सबका स्वागत है। झारखंड के अपकमिंग जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनको फोकस करते हुए, है ना, किरण एकेडमी आप लोगों के लिए एक नया सीरीज लेकर के आया है जिसमें मैं कृपाशंकर आप लोगों को साइंस बताऊंगा। तो चलिए साइंस का क्लास शुरू करते हैं। तो आज का क्लास में हम लोग बेसिकली सबसे पहले फिजिक्स देखेंगे, है ना। इसके पहले फिजिक्स को समझने से पहले आइए थोड़ा सा हम लोग साइंस के बारे में जान लेते हैं कि साइंस है क्या। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहीं से आता है, साइंस, ठीक है। ये जो साइंस है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं विज्ञान। देखिए, विज्ञान है क्या, तो ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन कि ये साइंस वर्ड जो है, ये विज्ञान शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो ये साइंस शब्द का डेरिवेशन आपका हुआ है एक वर्ड सेंटिया से। कहाँ से हुआ है? सेंटिया से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं ज्ञान, नॉलेज, या फिर इसको टू नो भी आप बोल सकते हैं। टू नो यानी कि जानना, यानी कि अगर हम किसी भी चीज के बारे में अगर जानने के लिए इच्छुक हैं तो वही क्या है? साइंस है, है ना। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यानी कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए जिज्ञासा रखते हैं तो वही आपका साइंस है, ठीक है। तो देखिए, साइंस है क्या, तो साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है किसी भी चीज़ का। अगर आप किसी भी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक स्टडी और ऑर्गेनाइज्ड वे में जो हम लोग करते हैं वही साइंस कहलाता है आपका, ठीक है। तो इसका डेराइवेशन कहाँ से हुआ? ये जो शब्द है आपका साइंस, ये सेंटिया वर्ड से आया जिसका मतलब होता है नॉलेज या फिर टू नो, यानी कि ज्ञान या फिर जानना, ठीक है। अब जो है ये साइंस जो है आपका, देखिए, अब साइंस को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। यानी कि इस साइंस को अगर क्लासिफाई करना पड़े तो आप इसको तीन पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका हो गया नेचुरल साइंस, एक आपका हो गया नेचुरल साइंस जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। साइंस का दूसरा ब्रांच आपका है फॉर्मल साइंस, फॉर्मल साइंस, है ना। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं औपचारिक विज्ञान। और इसका तीसरा ब्रांच जो है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। तो देखिए, साइंस को जो है हम लोग कितने भाग में बांटे, तो तीन भाग में, एक नेचुरल साइंस, एक फॉर्मल साइंस और एक सोशल साइंस, है ना। प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और एक को बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, ठीक है, ठीक है। झारखंड का भी क्लास आएगा, हर चीज का क्लास आएगा, है ना। चूंकि देखिए, झारखंड में अभी रिसेंटली जैसा कि अनाउंसमेंट किया गया है, वैकेंसी है, तो इसके लिए आप लोग के लिए एक नया सीरीज स्टार्ट किया गया है जिसमें कि आप लॉकडाउन में आप अपने घर पे भी रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे साइंस को तीन कैटेगरी में बांटा गया, एक है नेचुरल साइंस, एक है फॉर्मल साइंस और एक है सोशल साइंस, ठीक है। तो देखिए, नेचुरल साइंस के अंदर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंदर में जो सबसे पहला चीज आप पढ़ते हैं
वो है आपका फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स, जिसको क्या बोलते हैं? भौतिक, भौतिक विज्ञान। दूसरा चीज इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो है आपका बायोलॉजी, बायोलॉजी जिसको बोलते हैं जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। और तीसरा जो पार्ट यहां पे हम लोग कवर करते हैं वो ये है हमारा केमिस्ट्री, इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। ठीक, इसके बाद फॉर्मल साइंस को भी क्लासिफाई किया गया, और इसमें जो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स यानी कि जिसको आप कहते हैं गणित, या फिर आप जो भी रीजनिंग, या फिर आप जो भी लॉजिकल चीज पढ़ते हैं यानी कि तार्किक से रिलेटेड, या फिर रीजनिंग वो आपका आ जाता है फॉर्मल साइंस में। सोशल साइंस में आप लोग जानते ही हैं, जो भी सोशल स्टडीज का पार्ट है उसको हम लोग पढ़ते हैं सोशल साइंस में। यानी कहने का मतलब ये है कि साइंस हमारा इतना वास्ट है कि लगभग सारे सब्जेक्ट को कवर कर लेता है, सिर्फ लैंग्वेज पेपर को अगर छोड़ दिया जाए तो। अब देखिए इसमें बात क्या आता है कि हम लोग को यहाँ पर क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज नेचुरल साइंस का, इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो देखेंगे, और यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में ढेर सारे प्रश्न भर भर के आते हैं। और देखिए यहाँ से हम लोग ये सब देखेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्न कहाँ से बनते हैं, है ना। तो एकदम डिटेल में आपको बताएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, है ना। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और हेडिंग लगाना शुरू कर दीजिए, इसलिए कि जो नोट्स आप अपने हाथों से बनाते हैं वही आपका बेहतर नोट्स होता है। तो एक एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में आपको बताया जाएगा, साथ में चैप्टर एंड होने पे हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन या फिर क्या क्या क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी बनता है, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास में फिजिक्स। देखिए फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान। तो आइए इस बात को समझते हैं फिजिक्स को। तो देखिए फिजिक्स शब्द का सबसे पहले उत्पत्ति समझिए कि इसका जो उत्पत्ति हुआ है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं डेराइवेशन। फिजिक्स शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ है? तो एक ग्रीक का शब्द है, ग्रीक वर्ड है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूसिस। क्या बोलते हैं? फ्यूसिस, PHUSIS, है ना, फ्यूसिस। फ्यूसिस, तो इस फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? तो इस फ्यूसिस का मतलब होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक। इसको इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं नेचर, ठीक है ना। फ्यूसिस वर्ड से इसका उत्पत्ति हुआ है फिजिक्स का, और इसको हम लोग हिंदी में प्राकृतिक कहते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको इंग्लिश में नेचर बोल सकते हैं, ठीक है ना। फ्यूसिस एक वर्ड है बाबू, है ना, जिसका मतलब होता है प्राकृतिक। ये वर्ड कहां से लिया गया है? तो ग्रीक देश से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब चलिए फिजिक्स को समझते हैं, है ना, एक स्टोरी से। आप लोग को एक स्टोरी बताते हैं और यहां से आप लोग फिजिक्स को समझेंगे। जैसे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि चेस, देखिए शतरंज का खेल तो सब लोग खेलते होंगे, भले ही खेलते ना हो लेकिन नाम जरूर सुने होंगे, चेस। तो चेस में क्या होता है कि देखिए ये मान लीजिए कि आपका चेस का डायमेंशन है, मान लीजिए कि ये आपका चेस है, ये आपका चेस है, ठीक है। इस चेस में देखिए क्या होते हैं, बहुत सा गोटी होता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पे हाथी रखा हुआ है,
यहाँ पे ऊंट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई घोड़ा रखा हुआ है, कोई राजा होता है, कोई मंत्री होता है ना, कोई सैनिक होता है, ठीक है ना। इसी तरह से प्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ढेर सारे गोटी को रख दिया गया है, ठीक है। एक चेस का खेल है, और चेस में हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से जो आपके पास गोटी होते हैं जिसमें जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, ठीक है, प्यादा, सैनिक, आप जो भी बोलते हैं, ये सब रखा हुआ है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, इस स्टोरी से रिलेट करके हम आपको फिजिक्स का मीनिंग सिखाएंगे कि ये फिजिक्स होता क्या है। अब जैसे मान लीजिए कि इस चेस को खेलने वाले दो व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कोई एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति इधर बैठा हुआ है, ठीक है। इसका नाम चलिए दे देते हैं ए, और इसका नाम बोल देते हैं बी। मान लीजिए कि ए और बी जो हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, चेस को खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ए और बी चेस को खेल रहे हैं। यहां पर एक व्यक्ति और बैठा हुआ है, यहां पर एक व्यक्ति और बैठा हुआ है जो कि चेस के गेम को देख रहा है। ये जो व्यक्ति है, ये चेस के गेम को देख रहा है, इसका नाम है डी। और यहां पर एक और व्यक्ति है, मान लीजिए ये कोई एक और व्यक्ति है, ठीक है, ठीक है ना। इसका चलिए नाम दे देते हैं सी, कुछ भी। तो जैसे देखिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये एक चेस का गेम है और यहां पे ये सारे जो हैं गोटी अरेंज करके रखे हुए हैं। गोटी जो भी होते हैं आप लोग बेहतर जानते हैं, हाथी होता है, प्यादा होता है, सैनिक होता है, जो भी होता है। यहां पे क्या है कि ए और बी ये दोनों क्या कर रहे हैं, इस चेस को खेल रहे हैं, चेस को खेल रहे हैं। ये सी क्या कर रहा है, इस चेस के गेम को देख रहा है, यानी कि ए और बी जो खेल रहा है उसको कौन देख रहा है, सी। और सी जब देख रहा है तो ये सारा बात डी को बता रहा है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये यहां से चला, देखिए इधर का जो है ना गोटी, ये प्लेयर बी जो है यहां से अपना सैनिक चला सीधा, सैनिक सीधा चलता है कि नहीं, तो ये सैनिक जो है सीधा चला। अब ये सी देखा और बोला कि अरे भाई देखो देखो ये सैनिक सीधा चलता है, किसको बोला, इस डी को बोला। बी अपना एक चाल चला, सी उसको देखा और देख करके डी को बोला कि भाई सैनिक सीधा चलता है, सैनिक कैसे चलता है, सीधा चलता है। अब डी जो है इस बात को नोट कर लिया, लिख लिया कि सैनिक का चाल क्या है, तो सीधा, सैनिक जब चलेगा सीधा चलेगा, ठीक है। तो ये एक रूल बन गया, क्या बन गया, एक रूल बन गया कि सैनिक कैसे चलेगा, सीधा। अब इधर से मान लीजिए कि इसका यहां पर ऊंट है, ठीक है। अब ये अपने ऊंट को उठाया और तिरछा चलाया, मान लीजिए कि यहां से अपने ऊंट को उठाया और तिरछा चलाया। अब फिर सी देखा, फिर डी को बोलेगा कि अरे भाई देखो ऊंट जो है वो तिरछा चलता है, और मान लीजिए कि तिरछा ये दो स्टेप चला, तो बोलेगा कि तिरछा चलता है दो स्टेप। अब डी क्या करेगा, फिर एक नोट्स बना लेगा, पहला बात कि सैनिक सीधा चला, ऊंट तिरछा चलता है दो स्टेप। अब अगला बार देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि इसका सैनिक है यहां पे, इसका सैनिक है यहां पे, और इसका प्यादा पहुंच गया यहां पे, ठीक है। अब देखिए सैनिक को जब मारना होगा तो देखिए सैनिक चलता है सीधा लेकिन बार करता है तिरछा। अब देखिए इसको तिरछा मार देगा, ये मार दिया। अब फिर सी डी को बताएगा कि अरे भाई देखो सैनिक जो है, ये सी क्या बताएगा डी को, कह रहे भाई देखो सैनिक सीधा चल रहा था यार, लेकिन जब उसको मारना था तो वो तिरछा मारा। यानी कि यहां से जो पहले रूल बना था, रूल क्या बना था कि सैनिक सीधा चलता है, अब उसमें एक अमेंडमेंट होगा, उसमें एक सुधार होगा, और सुधार ये होगा कि सैनिक चलता तो सीधा है लेकिन मारता तिरछा है, ठीक है ना। अब यहां से जैसे मान लीजिए कि घोड़ा उठाया, घोड़ा चला एक दो अढ़ाई, वन टू एंड हाफ, तो फिर ये सी देखा, इसको बोलेगा कि अरे भाई घोड़ा तो अढ़ाई स्टेप चलता है, एक दो और आधा, वन टू एंड हाफ, लेकिन चलता है तो इधर चलता है। अब अगला बार मान लीजिए कि ये उठाया और इसको इधर चल दिया, तो बोलेगा कि नहीं भाई घोड़ा अढ़ाई स्टेप किसी डायरेक्शन में चलता है। यानी कि इस पूरे गेम से हम लोग क्या समझे,
इस पूरे गेम से हम लोग क्या समझें कि देखिए खेलने वाला खिलाड़ी है ए और बी, इस खेल को देख रहा है सी और सारा बात समझा रहा है डी को। डी एक लॉ बना रहा है और उस पर फोकस कर रहा है और बोल रहा है कि सबका चाल ऐसा है, लेकिन क्या सी को बैठा दिया जाए खेलने के लिए तो सी खेल पाएगा? नहीं, क्योंकि इस गेम के सारे नियम इसको मालूम नहीं है। यानी कि देखिए फिजिक्स हम लोग क्या समझे, तो ये जो पूरा आप फेनोमेना देख रहे हैं, इस बर्ड को थोड़ा सा मिटा रहे हैं, है ना, देखिए, तो यहां से हम लोग फिजिक्स को क्या समझें, तो देखिए ये जो आप पूरा देख रहे हैं, ये चेस और ये दो खिलाड़ी, ये चेस और दो खिलाड़ी जो है ये क्या है, तो इसको आइए समझते हैं। ये चेस जो है आपका फिजिकल वर्ल्ड है, चेस क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, इसको आप बोल सकते हैं ये आपका भौतिक दुनिया है। चेस क्या है, चेस भौतिक दुनिया है। ए और बी, देखिए ए बी और ए ये दोनों जो प्लेयर है ना, ये दोनों प्लेयर क्या हैं, ये दोनों प्लेयर जो हैं ये आपके प्राकृतिक घटना है, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं क्या, नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना है, यानी कि क्या है, तो आप इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक घटना है, ठीक है ना। चेस क्या है, तो आपका भौतिक दुनिया है, और जो खिलाड़ी आपको बताए ए और बी, ए और बी क्या हैं, तो ये आपके प्राकृतिक घटना है, यानी कि आप जो भी अपने प्राकृतिक में देख रहे हैं, है ना, जैसे सूरज का पूर्व से निकलना और पश्चिम में अस्त हो जाना, ठीक है ना, पेड़ से फलों का गिरना, कुछ भी अगर आप घटना देख रहे हैं तो वो सब क्या है, भौतिक दुनिया है, और भौतिक दुनिया में घटनाएं घटते रहती है। ये सी क्या है, तो ये सी है आपका साइंटिस्ट, सी क्या है, तो साइंटिस्ट, इसको आप लोग बोल सकते हैं वैज्ञानिक, सी क्या है, तो वैज्ञानिक है। और ये सी जो सारा बात बता रहा था चेस का रूल, सी जो बता रहा था चेस का रूल कि कैसे कैसे गेम चल रहा है, इस डी को बता रहा था, तो डी क्या है, इस दुनिया के लोग जैसे हम और आप, यानी कि आप बोल सकते हैं कि डी क्या है, तो पीपल ऑफ वर्ल्ड, पीपल ऑफ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के लोग क्या है, तो आप बोल सकते हैं दुनिया के लोग। यानी कि देखिए फिर से आपको बताते हैं, चेस आपका था भौतिक दुनिया, जो खिलाड़ी खेल रहे थे वो थे प्राकृतिक घटना, और सी जो गेम को देख रहा था वो था साइंटिस्ट, और ये साइंटिस्ट देखा और एक रूल बना करके दे दिया हम लोग को, और हम लोग उसको फॉलो करते हैं। जैसे देखिए हम लोग को अगर बल निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान को त्वरण से गुणा करते हैं, तो ये बात कौन बताया, साइंटिस्ट बताया, ठीक है ना। आज देखिए जैसे पृथ्वी मान लीजिए कि सूर्य का परिक्रमा करती है, तो ये बात कौन बताया, तो ये साइंटिस्ट बताया। अब मान लीजिए कि कभी ऐसा हो जाए कि सूर्य चंद्रमा का परिक्रमा ना करके, सॉरी ये पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा ना करके मान लीजिए किसी दूसरे तारे का परिक्रमा कर दे, ठीक है ना, तो फिर ये जो आपका लॉ बना था ये लॉ गलत हो जाएगा, और इसमें फिर सुधार करके एक नया नियम को जोड़ दिया जाएगा। यानी कि साइंटिस्ट या रिसर्चर हम लोग को जो कुछ भी बताते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यानी कि साइंटिस्ट स्टडी क्या किया, जैसे इस चेस के गेम के हेल्प से समझिए, तो साइंटिस्ट वही चीज का स्टडी किया जो हमारे प्राकृतिक में घट रहे थे, वही नियम कानून बनाया जो हमारे प्राकृतिक में हो रहे थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि नियम में कुछ बदलाव आता है, जैसे सैनिक का एग्जाम्पल बताया, चलता है सीधा मारता है तिरछा, तो यहां पर जो कुछ भी बदलाव है, तो यहां पे नियम में बदलाव अक्सर होते रहता है, तो आए दिन आप मैगजीन भी देखते होंगे तो किसी का थ्योरी गलत हो जाता है, तो कोई नया थ्योरी आता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में क्या था
कि जब पीरियोडिक टेबल बना तो उसमें देखिए कई साइंटिस्ट आए शुरुआत में, लेकिन कुछ न कुछ उनमें कमी रह गया, और फिर जब नए साइंटिस्ट आए और उस बात को बताए तो उसमें सुधार कर दिया गया, है कि नहीं। तो फिजिक्स क्या है, अगर इसके डिफिनीशन की हम लोग बात करें, फिजिक्स का अगर डिफिनीशन का हम लोग बात करें तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो आप बोल सकते हैं फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। फिजिक्स क्या है, तो नेचर का स्टडी है तथा इसके नियमों का स्टडी है, यानी क्या बोल सकते हैं भौतिक प्रकृति तथा भौतिक प्रकृति तथा इसके नियमों का अध्ययन। भौतिक क्या है, तो प्राकृतिक, और इस प्राकृतिक में जो भी घटनाएं घट रही हैं उनसे रिलेटेड जो भी लॉज हैं इन सब का क्या है, स्टडी है। तो भौतिक का मतलब समझे। अब देखिए ये फिजिक्स हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। आज जैसे आप लोग लाइव क्लास ही देख रहे हैं तो ये भी फिजिक्स का देन है। जैसे हम जो यहाँ से बोल रहे हैं, आप जो सुन पा रहे हैं, इस वायर के थ्रू जो कुछ जा रहा है, या फिर जैसे आप फोन कॉल से बात करते हैं, तो ये सब देन फिजिक्स का है। फिजिक्स का देन मेडिकल साइंस में भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एक्सरे मशीन देख लीजिए, सीटी स्कैन, एमआरआई देख लीजिए, है ना, जिससे कि क्या है, आज हम लोग काफ़ी दिनों तक जीवित रह सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मेडिकल साइंस, है ना। मेडिकल साइंस की वजह से क्या है कि हम लोग का लाइफ और इंक्रीज हो गया है, तो उसमें भी फिजिक्स का काफ़ी रोल है। यानी कोई आपसे पूछे कि फिजिक्स क्या है, तो फिजिक्स प्राकृतिक और इसके नियमों का अध्ययन है। क्लियर है इतना बात। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, यानी कि भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण। तो देखिए ये जो भौतिक विज्ञान है इसको दो भाग में बांटा गया है। एक को बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं परंपरागत भौतिक, और दूसरा जो है वो है आपका मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक, ठीक है ना। तो देखिए क्लासिकल फिजिक्स, देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि फिजिक्स के फादर कौन हैं, तो देखिए बेसिकली फिजिक्स के दो दो फादर होते हैं। जब फिजिक्स को हम लोग दो ब्रांच में ही बांट दिए तो जाहिर सी बात है कि इसका फादर भी दो होंगे। तो एक क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर हैं, इस क्लासिकल फिजिक्स के जो फादर हैं, है ना, उनका नाम है न्यूटन। क्या नाम है, न्यूटन। क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन हुए, तो न्यूटन, पूरा नाम इनका हुआ सर आइजैक न्यूटन। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके फादर कौन हुए, तो मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन हुए, आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन हुए। वेरी गुड, देखिए कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन। क्लासिकल फिजिक्स के फादर आपके हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना। तो इनको मॉडर्न फिजिक्स का फादर अल्बर्ट आइंस्टीन को क्यों बोला गया, है ना, मॉडर्न फिजिक्स के फादर अल्बर्ट आइंस्टीन को क्यों बोला गया, तो ये हम लोगों को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताए थे। इनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या था, तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ई आपका होता है एनर्जी, एम होता है आपका मास। यानी कि ये जो बात बताए थे हम लोगों को, ये बोले थे कि हम लोग ऊर्जा को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, या फिर द्रव्यमान को ऊर्जा में बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया गया है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किस फॉर्मूले को बताता है, तो याद रखिएगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
देखिए फिजिक्स के दो दो फादर हैं, ठीक है ना, एक तो न्यूटन और दूसरे अल्बर्ट आइंस्टीन। अगर आपको एक ही बताना है तो आप न्यूटन साहब का नाम बता सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आप चाहें तो गैलीलियो को भी बोल सकते हैं फिजिक्स ऑफ फादर, गैलीलियो को भी बोल सकते हैं फिजिक्स ऑफ फादर। अब बात आता है कि क्लासिकल फिजिक्स बोलेंगे किसको, तो देखिए 1900 ईस्वी के पहले, कब 1900 ईस्वी के पहले फिजिक्स में हम लोगों को जो भी जानकारी थी, कब 1900 ईस्वी के पहले, देखिए लिख देते हैं पहले, है ना, बिफोर, यानी कि बिफोर 1900, 1900 ईस्वी के पहले जो कुछ भी हम लोग फिजिक्स जानते थे उसको रखा गया क्लासिकल फिजिक्स में, है ना, परंपरागत भौतिक में, जिसके फादर हुए न्यूटन साहब। इसके बाद देखिए आफ्टर 1900, कब 1900 ईस्वी के बाद, यानी कि 1900 ईस्वी के बाद जो भी फिजिक्स हम सीखे, जो भी फिजिक्स में डिस्कवरी हुआ उसको बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। तो याद रहेगा क्लासिकल फिजिक्स कौन हुआ, तो 1900 ईस्वी के पहले का फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स कौन हुआ, तो 1900 ईस्वी के बाद का फिजिक्स, ठीक। अब बात आता है कि क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखिए क्लासिकल फिजिक्स में आप पढ़ते हैं मैकेनिक्स, इसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी, ठीक है। इसके बाद आप इसमें पढ़ते हैं हीट, जिसको आप बोलते हैं ऊष्मा। इसके बाद इसमें आप पढ़ते हैं ऑप्टिक्स, जिसको आप लोग लाइट बोलते हैं, यानी कि प्रकाशिकी, ठीक है ना, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी और इसमें क्या पढ़ते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं एकॉस्टिक, ठीक है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्वनि, यानी कि इसी को आप लोग साउंड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, सब किस में हम लोग पढ़ते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, इसमें आपका आ गया न्यूक्लियर फिजिक्स, क्या आ गया, न्यूक्लियर फिजिक्स, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं नाभिकीय भौतिक, ठीक है। इसी के अंदर में आप पढ़ते हैं रेडियो सक्रियता को, है ना, रेडियो एक्टिविटी जिसको जानते हैं वो आप लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, या फिर इसी के अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है ना, यानी कि परमाणु भौतिकी। तो हम लोग सारे सिलेबस को एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये था आपका फिजिक्स का कुछ कुछ, है ना, हाँ बिल्कुल सही है किम जोंग कोरिया जी, आपका भी जवाब सही है, ठीक है ना। जैसे देखिए न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, तो जैसे आज हम लोग एटम बम के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे को धमकी देते हैं एटम बम फोड़ देंगे, है ना, बात बात पर पाकिस्तान धमकी देगा एटम बम फोड़ देंगे, मेरे पास इतना है, तो भारत भी कहेगा हम भी फोड़ देंगे, अमेरिका कहेगा हम भी पटक देंगे। तो भाई ये एटम बम बना कैसे, तो एटम बम बनाने का यही देन है एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है ना। जैसे कुछ एलिमेंट्स, जैसे यूरेनियम 235 जो हमारे पास है, तो यूरेनियम का प्रयोग करके देखिए हम लोग क्या किए, एटम बम को बना लिए, जो कि हमारे लिए काफी नुकसान है, हालांकि इसका यूज भी है। जैसे आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सोचिए कि एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ करके हम लोग ढेर सारा एनर्जी बना सकते हैं, ऊर्जा, है ना, एनर्जी, है ना। और प्लांट्स भी लगे हुए हैं इंडिया में, अभी 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, तो वो सब किसका देन है, तो मॉडर्न फिजिक्स का देन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हम लोग का सिलेबस क्या क्या है, फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, पहला टॉपिक हम लोग का होगा यूनिट एंड डायमेंशन, हिंदी में बोलते हैं इकाई तथा विमाएं। दूसरा है मोशन एंड इट्स लॉस, गति तथा इसके नियम।
तीसरा है आपका ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट है वर्क एनर्जी एंड पावर, कार्य ऊर्जा तथा शक्ति। हीट उष्मा, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, एकॉस्टिक ध्वनि, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म विद्युत तथा चुंबक, और फिर मॉडर्न फिजिक्स हम लोग लास्ट में कवर करेंगे। तो ये है हमारा सिलेबस जिसको हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, लाइक भी कर सकते हैं। देखिए, तो पहला टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। तो देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन में क्या है, ठीक है, कि सबसे पहला बात आता है कि यूनिट है क्या। तो देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन को बोलते हैं इकाई, इकाई तथा बीमाएं, ठीक है। तो देखिए, यूनिट क्या है यानी कि इकाई क्या है, इस बात को समझिए। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस वर्ल्ड में जितना भी चीज आप देखते हैं, हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। इंसान को भी हम लोग कैसे पहचानते हैं, तो बाय नेम, किसी न किसी नाम से पहचानते हैं, है ना। हालांकि वो बात अलग है कि आज साइंस इतना डेवलप कर गया है कि हम लोग नाम से नहीं पहचाने जाते, बल्कि हम लोग अपने एक नंबर से पहचाने जाते, अपने ईमेल आईडी से पहचाने जाते, ठीक है ना। अगर आपका डिटेल निकालना हो गवर्नमेंट को, तो आपका नाम पता नहीं पूछेगा, ईमेल आईडी से आपका सारा डिटेल निकाल लेगा। आधार कार्ड में एक नंबर है, हम लोग अब उस नंबर से पहचाने जाते हैं, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, क्लास आपका रेगुलर होगा, ठीक है ना, विनोद करमाली जी, क्लास आपका रेगुलर होगा। अगर आप लोग चाहते हैं हमारे पेड कोर्स को खरीदने के लिए, अगर आप लोग पेड कोर्स को खरीदना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर 7870721111 इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, 7870721111। इसमें आपको हर टॉपिक वाइज यानी कि सारे सब्जेक्ट का क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो आप पेड कोर्स के लिए इस पे कंसल्ट कर सकते हैं, क्लास आपका रेगुलर चलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। तो यूनिट और डायमेंशन का हिंदी हुआ इकाई तथा बीमा। टाइमिंग भी आपको बता दिया जाएगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना, सारा इंफॉर्मेशन आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यूनिट का बात कर रहे थे, तो जैसा कि बताया कि हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिक्स में बहुत से ऐसे शब्द आएंगे, बहुत से ऐसे टर्म आएंगे, तो उनको हम कैसे पहचानेंगे, तो हम उनको एक नाम से पहचानेंगे, ठीक है ना। तो उसी चीज को पहचानने के लिए यूनिट का जरूरत पड़ा। तो देखिए, सबसे पहले अगर यूनिट का डिफिनेशन लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड नोटेशन यूज्ड विथ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू मेक इट मीनिंगफुल। इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड नोटेशन यूज्ड विथ एनी फिजिकल क्वांटिटी टू मेक इट मीनिंगफुल, यानी कि यह एक मानकीकृत मानक है जो किसी भी भौतिक राशि के साथ लगकर उसे
अर्थपूर्ण बनाती है। यह एक मानकीकृत मानक है जो किसी भी भौतिक राशि के साथ लगकर उसे अर्थपूर्ण बनाती है। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग बताइए। जैसे देखिए, मान लीजिए कि मेरे हाथ में एक ये मार्कर है, अगर हम आपसे पूछें कि इस मार्कर का बताइए कि वजन क्या है, अगर हम पूछें कि इस मार्कर का वेट क्या है जी, इस मार्कर का वजन क्या है जी, तो क्या आप ऐसा बोलेंगे कि इसका वजन 5 किलोमीटर है, या फिर आप ऐसा बोलेंगे कि इसका वजन 10 सेकेंड है, या फिर ऐसा बोलेंगे कि इसका वजन जो है 10 किलोमीटर है ना? तो ऐसा मीनिंगलेस बात हम लोग करेंगे क्या? नहीं। जब भी इसका वजन बताने की बात आए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इस पेन का वजन 20 ग्राम है, 10 ग्राम है, 50 ग्राम है, 100 ग्राम है, इस तरह से बोलेंगे। तो देखिए, जैसे ही इसके वजन के लिए हम लोग ग्राम शब्द का प्रयोग किए तो इससे पता चला कि नहीं, इससे वजन का बात हो रहा है, ठीक है ना। तो वजन को हम लोग किलोमीटर में नहीं मापते, ठीक है ना। तो किलोमीटर में बोलने का मतलब कि वो अर्थपूर्ण बात हो गया, वो मीनिंगलेस बात हो गया, उसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी कि अब जैसे ही हम इसका वजन बताए कि इस पेन का वजन 20 ग्राम है, तो इसे क्लियर हो गया कि वेट का बात हो रहा है। इसी तरह से अगर आपसे हम पूछें, ठीक है, कि आपका एज कितना है, अगर आपसे हम एज की बात करें तो क्या आप ऐसा बोलिएगा कि मेरा एज 20 kg है, मेरा 20 किलोग्राम एज है ना, मेरा 20 सेकेंड एज है, ऐसा बात नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे? 20 ईयर है। यानी कि एज के साथ आप किस वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो ईयर का, साल का। यानी कि आप उम्र को साल में बता रहे हैं, वजन को आप किलोग्राम ग्राम में बता रहे हैं, किलोग्राम या फिर ग्राम में बता रहे हैं। तो देखिए, वजन के लिए किलोग्राम शब्द का यूज करना उसको मीनिंगफुल बनाता है, उम्र के लिए है ना साल का प्रयोग करना, ईयर का प्रयोग करना उसे मीनिंगफुल बनाता है, ठीक है ना। तो यूनिट उसी को बोलते हैं, है ना। यूनिट क्या है? तो एक स्टैंडर्डाइज्ड नोटेशन है, स्टैंडर्ड नोटेशन है, जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ लगकर उसे अर्थपूर्ण बनाता है, मीनिंगफुल बनाता है। तो यूनिट क्लियर है। अब देखिए, बात आता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए, फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं भौतिक राशि। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी जो है ना, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। अब देखिए, भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, इस बात को समझिए। तो देखिए, द क्वांटिटी डेट कैन बी मेजर्ड, है ना, यानी कि वह राशि जिसे मापा जा सकता है, वह राशि जिसे आप माप सकते हैं। अब जैसे देखिए, इनको देखिए, ये हंस रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। अगर हम पूछें कि ये कितना हंसे जी, तो क्या आप ऐसा बोलिएगा कि ये 10 किलोग्राम हंस लिए, क्या आप ऐसा बोलिएगा कि ये 10 किलोमीटर हंस लिए, ऐसा नहीं बोलते। कोई भी इंसान कितना भी खुश हो, है ना, खुशी को, हंसी को हम लोग मापते हैं क्या? नहीं मापते। इसी तरह से देखिए, इस बेचारे को ये पेन में है, कष्ट में है, दर्द में है। अगर इससे पूछेगा कि भाई कितना दर्द हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा यही बोलेगा कि बहुत दर्द है, बहुत कष्ट में है। लेकिन क्या ये बोलेगा कि 5 किलोग्राम दर्द हो रहा है? नहीं। यानी कि देखिए, हंसी हो गया, खुशी हो गया, दुख हो गया, दर्द हो गया, है ना, इन सबको हम डिफाइन नहीं कर सकते, इन सबको मेजर नहीं कर सकते। तो ये कैसा यूनिट हो गया? तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गया, यानी कि ये भौतिक राशि नहीं है। अब जैसे यहां पर देखिए, आपको दिख रहा है गाड़ी का स्पीडोमीटर या फिर ऑडोमीटर कह लीजिए। तो अगर गाड़ी किसी पार्टिकुलर स्पीड से चल रही है, तो देखिए यहां पर गाड़ी का कांटा जो है, इस कांटे को देखिए, ये 60 पे है कि नहीं? कांटा भी कितना पे है? 60 पे। अगर हम पूछें कि गाड़ी का स्पीड क्या है जी, तो आप बोलिएगा 60 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से ये गाड़ी चल रही है। अगर हम पूछे कि ये गाड़ी कितना दूरी तय कीजिए, तो आप इसके ट्रिप को देख करके बता सकते हैं कि ये गाड़ी 200 किलोमीटर चली है, 500 किलोमीटर चली है कि नहीं। यानी कि आप स्पीड को माप सकते हैं, दूरी को माप सकते हैं। तो वो कैसा राशि हो गया? तो वो भौतिक राशि हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि डिफिनीशन इसका देखिए, अगर स्टैंडर्ड डिफिनीशन की बात करें तो द क्वांटिटी डेट कैन बी मीजर्ड, ठीक है ना, मीजर्ड। कैसे मापेंगे? तो देखिए, बाय एन इंस्ट्रूमेंट द फिजिकल द क्वांटिटी डेट कैन बी मीजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय विच लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। यानी कि वह राशि जिसे हम किसी यंत्र के द्वारा माप सकते हैं तथा फिजिक्स के नियमों को हम समझा सकें, क्या कर सकें, किसी यंत्र के द्वारा माप सकें तथा फिजिक्स के नियमों को समझा सकें। यानी कि आप बोल सकते हैं कि वह राशि, देखिए, वह राशि जिसे किसी यंत्र द्वारा मापा जा सके तथा भौतिक के नियमों को समझा जा समझा जा सके, ठीक है। यानी कि वह राशि जिसे किसी यंत्र के द्वारा आप माप सकते हैं या तथा फिजिक्स के नियम यानी कि भौतिक के नियम को उससे आप किसी को समझा सकते हैं। जैसे देखिए, है ना, लाफ, पेन, ये कौन क्वांटिटी होगा सर? ये सब नॉन फिजिकल क्वांटिटी है बाबू। देखिए, हंसना, रोना, दुख, दर्द, ये सब भौतिक राशि नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो फिजिक्स के अंदर में हम सिर्फ और सिर्फ भौतिक राशि ही पढ़ेंगे, यानी कि वैसे राशि जिसको हम मीजर कर सकें। कैसे मापेंगे? किसी यंत्र के द्वारा। जैसे आपसे हम पूछें कि स्पीड मापिए, ठीक है ना, जेपीएससी के सिलेबस अकॉर्डिंग चल रहा है या फिर जनरल कॉम्पिटिशन। देखिए बाबू, ये डिटेल सिलेबस है ना, यहाँ पे ये सिलेबस आपको पूरा डिटेल्ड मिलेगा। यहाँ पे सारे एग्जामिनेशन को फोकस करके बताया जा रहा है ना, चाहे वो कोई भी पीसीएस लेवल का ही एग्जाम क्यों ना हो। अभी आप देखेंगे कि यहाँ से सवाल कैसे कैसे बनते हैं, सारा कुछ बताएंगे। तो जेपीएससी लेवल का भी ये बैच बिल्कुल है, ठीक है ना। और देखिए, साइंस से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। जैसे भी आप रेलवे का एग्जाम एनटीपीसी दिए होंगे तो उसमें भी आपको नजर आया होगा, या फिर जब उसका CBT 2 देंगे, है ना, जैसे रेलवे टेक्नीशियन का, तो उसमें भी देखिएगा कि साइंस से काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जेपीएससी लेवल को भी ये फोकस करके बताया जा रहा है, डिटेल सिलेबस यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे थे स्पीड मापने के लिए, तो स्पीड के लिए हम लोग क्या किए, स्पीडोमीटर का प्रयोग कर लिए। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो यहां से आपका बन गया, पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकल गया कि अगर गति मापना हो तो इसके लिए कौन सा यंत्र है, तो गति मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। गति मापने के लिए क्या करते हैं? स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। पहला क्वेश्चन कोस्ट गार्ड में आया था सर, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, देखिए ऐसे ही निकलते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखिए, इसी में कंफ्यूज कर देगा आपको, अगर पूछेगा कि गाड़ी के द्वारा जो तय दूरी है उसको किस यंत्र से मापते हैं। तो देखिए, यहां पर ये जो आपको कुछ डिजिट में दिख रहा है, गाड़ी चलाते हैं तो जो यहां पे आपको डिजिट में कुछ भी चीज दिखता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये है आपका ओडोमीटर। ये क्या है आपका? ओडोमीटर, ठीक है ना। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलेंगे, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिससे को हम किसी इंस्ट्रूमेंट से माप सकें और फिजिक्स के नियमों को समझ सकें। तो ये है आपका फिजिकल क्वांटिटी।
अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी जो है, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जो आपका भौतिक राशि है, इसको हम लोग पी क्यू से दिखाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखिए ये जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है इसको शॉर्ट में पी क्यू बोल लिए। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी किन चीजों पर निर्भर करता है इसको समझिए, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो है ये n इंटू यू होता है, n इंटू यू होता है। n क्या है, तो देखिए n क्या है आपका, तो n है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, n है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको आप बोल सकते हैं संख्यात्मक मान। क्या है आपका संख्यात्मक मान। u क्या है जी, तो u है आपका यूनिट, इसको आप बोल सकते हैं इकाई या फिर मात्रक। u है आपका यूनिट, इसको आप बोल सकते हैं इकाई या फिर मात्रक। तो फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होता है, एक n होता है और एक u होता है। n है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और u क्या है यूनिट। अब आइए इस बात को समझते हैं, जैसे एक उदाहरण आप लोग को देते हैं, जैसे एक उदाहरण से समझिए, है ना। जैसे हम बोले कि चलिए देखिए, जैसे हम बोले कि एक रड की लंबाई, एक रड की लंबाई 5 मीटर है। देखिए हम क्या बोले कि एक रड की लंबाई 5 मीटर है। तो देखिए जैसे हम बोले कि, जैसे मान लीजिए किसी को आप रॉड समझिए, हम बोले कि एक रॉड का लंबाई 5 मीटर है। कितना है लंबाई, तो देखिए रॉड का लंबाई है 5 मीटर। तो इसमें ये जो आपका 5 है, 5 जो है ये आपका है न्यूमेरिकल वैल्यू n, और ये जो आपका मीटर है ये है आपका यूनिट यानी कि मात्रक। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी से हम लोगों को दो चीज पता चलता है, एक तो कि संख्यात्मक मान और एक यूनिट। अब बात करते हैं कि ये संख्यात्मक मान किस चीज को बताएगा, है ना। ये जो आपका संख्यात्मक मान है ये किस चीज को बताएगा, तो देखिए संख्यात्मक मान बताता है कि कोई भी भौतिक राशि अपने मात्रक का कितना गुना है। क्या बोले, कोई भी भौतिक राशि अपने मात्रक का कितने गुना है। आइए इस बात को समझते हैं। जैसे यहां पे देखिए हम बोले 5 मीटर, तो यहां पे मात्रक क्या लगा है मीटर, और मीटर में 5 से गुना किए, यानी कि आप बोल सकते हैं कि रड जो है वो 1 मीटर का 5 गुना है। क्या बोल सकते हैं कि रड जो है वो 1 मीटर का 5 गुना है, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे आपको हम बोले 60 साल, किसी व्यक्ति का उम्र है 60 साल, 60 ईयर, तो यहां पर देखिए दो चीज आया, एक 60 आया, तो 60 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक आया आपका साल, ये क्या है आपका यूनिट यानी कि मात्रक। तो 60 साल में 60 ये बता रहा है कि एक साल का 60 गुना, यानी किसी व्यक्ति का उम्र 60 साल है तो आप ये बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति एक साल का 60 गुना है, बोल सकते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे किसी का वेट है, मान लीजिए कि 70 केजी, किसी का वेट क्या है 70 केजी, तो यहां पर देखिए ये 70 क्या है, तो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू संख्यात्मक मान, केजी क्या है तो आपका यूनिट मात्रक। यानी कि देखिए यहां पर मात्रक आप क्या यूज किए, केजी, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि वेट कितना है जी, तो आप बोल सकते हैं कि 1 केजी का 70 गुना। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी से हम लोगों को दो चीज का पता चलता है भौतिक राशि से, एक की संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। तो संख्यात्मक मान क्या बताता है कि मात्रक का कितना गुना है कोई भी भौतिक राशि, और मात्रक मात्रा को बताता है, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर है। अब चलिए जैसे इसमें एक चीज समझिए, यहाँ पर एग्जाम में एक क्वेश्चन बना था और वो क्वेश्चन कैसे निकाला इस बात को समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल लिया कि एक रड का लंबाई है 5 मीटर, तो देखिए 5 मीटर है, ठीक है ना, कितना है
5 मीटर। अब आप लोग एक प्रश्न बताइए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो क्या इस 5 मीटर को हम ऐसा लिख सकते हैं कि यह 500 सेंटीमीटर है? क्या है? 500 सेंटीमीटर है। बोलिए यस और नॉट, 5 मीटर को 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। अब एक बात देखिए, यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पर यूनिट था आपका मीटर, यहां पर आपका यूनिट है सेंटीमीटर। बोलिए बड़ा क्या है जी, मीटर की सेंटीमीटर? तो आप बोलेंगे कि मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटा है। यानी कि यहां से आप क्या देखें, संख्यात्मक मान और यूनिट में क्या रिलेशन, कि जब आप संख्यात्मक मान को बढ़ा दिए, यानी कि देखिए ये 5 था तो इसको 500 कर दिए, और ये मीटर था तो इसको सेंटीमीटर कर दिए, यानी कि यूनिट हमारा घट गया तो संख्यात्मक मान बढ़ गया। इसी तरह से अगर हम यूनिट को बढ़ाएंगे तो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हम लोग रिलेशन सीखे कि यानी कि संख्यात्मक मान जो है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है मात्रक के। संख्यात्मक मान क्या है, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन बना है, ठीक है ना। क्वेश्चन इस प्रकार से था कि मात्रक और संख्यात्मक मान एक दूसरे से संबंधित हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स आर रिलेटेड टू, और 4 ऑप्शन था। तो अभी यहां पर क्या देखे कि संख्यात्मक मान व्युत्क्रमानुपाती है मात्रक के, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां से भी एक क्वेश्चन बना था कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है व्युत्क्रमानुपाती है संख्यात्मक, ये संख्यात्मक मान जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है मात्रक के। यानी कि अगर आप यूनिट बढ़ाते हैं तो ये संख्यात्मक मान घट जाएगा, संख्यात्मक मान को बढ़ाते हैं तो यूनिट, अगर यूनिट को बढ़ाते हैं तो संख्यात्मक मान घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि जो है, ये फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोले, भौतिक राशि के प्रकार। यानी कि देखिए भौतिक राशि कितने प्रकार के हैं, तो देखिए भौतिक राशि 2 तरह के होते हैं, एक है आपका स्केलर क्वांटिटी, एक है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हिंदी में बोलते हैं अदिश राशि, वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि। देखिए डिफिनेशन क्या है अदिश का, द फिजिकल क्वांटिटी डेट हैव ओनली मैग्नीट्यूड। यानी कि आप बोल सकते हैं कि वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, केवल क्या हो, परिमाण हो, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड रहेगा। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है कि देखिए यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है, डायरेक्शन। यानी कि इसको आप बोल सकते हैं कि वह भौतिक राशि है ना, जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो। यानी कि देखिए स्केलर में क्या होगा, अदिश में क्या होगा, केवल परिमाण होगा, और सदिश में क्या होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा। अब आइए इस बात को समझते हैं कैसे। जैसे चलिए अगर हम बोले कि चलिए इस मार्कर का जो है लंबाई बताइए, इस मार्कर का लंबाई बताइए, इस पेन का लंबाई बताइए, तो आप क्या कहिएगा, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ इसी तरह से बोलिएगा ना। कि क्या ऐसा इसमें बोलिएगा कि 5 सेंटीमीटर पूरब की ओर, ऐसा मीन इंग्लिश बात करेंगे क्या, नहीं। यानी कि देखिए सेंटीमीटर क्या था, मास, ठीक है ना, सॉरी सेंटीमीटर मास नहीं, आपका लेंथ था, ठीक है, सेंटीमीटर क्या था, लेंथ था।
यानी कि अगर आपको लेंथ बताना है, लंबाई बताना है, तो उसके लिए दिशा बोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि आपका उम्र कितना है, तो आप बोलिएगा 25 साल। कि ऐसा बोलिएगा 25 साल उत्तर की ओर, ऐसा मीनिंगलेस बात तो हम लोग नहीं करेंगे। इसी तरह से जैसे कोई हम बोले कि एक ट्रेन जो है, एक ट्रेन रांची से खुली और पटना गई, उसका स्पीड क्या रहा, या फिर हम पूछ ले कि एवरेज स्पीड क्या रहा, तो आप क्या बोलेंगे, उसका स्पीड था 40 किलोमीटर प्रति घंटा दक्षिण की ओर। ऐसा मीनिंगलेस बात हम लोग नहीं करेंगे। यानी कि जिस राशि को बोलते समय दिशा बताने का जरूरत ना पड़े, डायरेक्शन का जरूरत ना पड़े, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। और जिसमें जिसमें मैग्नीट्यूड परिमाण के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ जाए, उसको बोलेंगे सदिश राशि। जैसे हम बोले कि हम अपने हाथ पे फोर्स लगाए और आपसे हम पूछे कि फोर्स किधर लगाएं जी, तो आप बोलिएगा ना कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाए, और कहां, तो अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की ओर। ठीक है ना, ठीक है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन भी बताने का जरूरत पड़ जाए, वो सदिश होता है, यानी कि वेक्टर। तो इसके एग्जांपल्स को आप लोग याद रखिएगा, एग्जांपल से क्वेश्चन काफी निकलता है ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। तो इसमें याद रखिएगा आप लोग, लेंथ यानी कि लंबाई, ठीक है, मास यानी कि द्रव्यमान, तीसरा टाइम, ठीक है ना, यानी कि समय, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, वर्क जिसको बोलते हैं कार्स, ठीक है, इसमें आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये होता है करेंट। आपको लगेगा कि करेंट अगर वायर में दौड़ रही है तो एक डायरेक्शन होगा उसका, और लोग कंफ्यूज करके ऑप्शन मार देते हैं। याद रखिएगा, करेंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो करेंट यानी कि आप बोल सकते हैं विद्युत धारा, करेंट क्या हो गया, विद्युत धारा। इसके एग्जांपल्स और हो गए, जैसे आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हिंदी में बोलते हैं इसको आवृत्ति, है ना। टेंशन लेने का बात नहीं है, ये जितना भी वर्ड आप देख रहे हैं, जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, वर्क हो गया, करंट हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, ये सब आपके फिजिक्स के टॉपिक में आएंगे। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, सबसे हम लोग अवगत होते जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी हो गए, इसमें डायरेक्शन बताने का कोई जरूरत नहीं होता। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका आप एग्जाम्पल बोल सकते हैं, इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन। देखिए विस्थापन, इसके बाद इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी इसको बोलते हैं हम लोग वेग। इसी में आपका आ जाएगा फोर्स, फोर्स जिसको क्या बोलते हैं, बल, ठीक है ना। तो और भी टॉपिक के अंदर में देखिएगा, आपको बहुत से क्वांटिटी मिल जाएंगे, तो वहां से आइडेंटिफाई करते चलेंगे कौन स्केलर कौन वेक्टर। अच्छा, इसी में अगर हम बात करें स्पीड, तो स्पीड कैसा क्वांटिटी होगा, यानी कि चाल। तो देखिए, चाल बताने के लिए हम लोग को डायरेक्शन बोलने का जरूरत नहीं है, तो चाल भी आपका स्केलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था फिजिकल क्वांटिटी का कुछ टाइप्स। और फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट यानी कि संख्यात्मक मान, और एक मात्रक जिसको हम लोग देखे अभी, ठीक है। और उसका रिलेशन आपको बताए, याद रखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में जो रिलेशन होता है, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बात करेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट का, ठीक है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट यानी यूनिट का क्या क्या प्रणाली है। तो जैसे देखिए, एक है आपका सीजीएस सिस्टम, इसको बोलते हैं सीजीएस प्रणाली, ठीक है ना। ये किसका देन है, तो ये फ्रांस का दिया हुआ देन है।
यानी कि इसको जो है हम लोग फ्रेंच सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेंच सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं। इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, ठीक है ना, और समय को सेकंड में। यानी कि सीजीएस सिस्टम जो है ये किस देश का सिस्टम है? तो ये फ्रांस का सिस्टम था, इसीलिए इसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में हम लोग मापते हैं। दूसरा है एफपीएस सिस्टम, ये अंग्रेजों का देन है। ठीक है ना, किसका देन है एफपीएस सिस्टम? अंग्रेजों का। तो इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश प्रणाली। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश प्रणाली। देखिए तो एफपीएस सिस्टम में क्या है कि लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं। कभी कभी मान लीजिए कि आपको दूरी बताने का जरूरत पड़ जाए तो ऐसा बोलते हैं कि नहीं 10 फुट 20 फुट इस तरह से। तो देखिए एफपीएस सिस्टम में लंबाई को फुट में मापा जाता है, मास को पाउंड में मापा जाता है और टाइम को सेकंड में मापा जाता है, ये एफपीएस सिस्टम। ठीक है, तीसरा जो है एमकेएस सिस्टम, इसको जो है 1935 ईस्वी में लाया गया। कब लाया गया? 1935 ईस्वी में, और यह भी फ्रांस का ही देन था। तो यह भी आपका कैसा सिस्टम है? तो यह भी आपका फ्रेंच सिस्टम ही है। ठीक है ना, इसी को हम लोग मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं, मीट्रिक सिस्टम। आया कब? तो 1935 में लाया गया। 1935 में लाने का जरूरत क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो सीजीएस सिस्टम था इससे असहज महसूस हो रहा था, लोगों को इनकन्वीनियंट महसूस कर रहे थे, इसीलिए एमकेएस सिस्टम को लाना पड़ा। अब सोचिए कि यहां पर जो है लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जा रहा है, तो क्या हम सारे लंबाई को सेंटीमीटर में माप लेंगे? नहीं। यहां पर देखिए द्रव्यमान को ग्राम में मापा जा रहा है, तो क्या यहां पर हम लोग सारे मास को ये ग्राम में मेजर कर लेंगे? नहीं। तो इसके लिए केजी बनाया गया, है ना। तो ये सब सुधार होते गया और कैसे हुआ ये आपको बताएंगे। तो ये सब जो है कुछ कुछ प्रणाली था जिससे कि मापन किया जा रहा था। तो एमकेएस सिस्टम में लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, मास को केजी में मापते हैं, किलोग्राम में द्रव्यमान को, और समय को सेकंड में मापते हैं। ये था आपका एमकेएस सिस्टम। अब देखिए समस्या क्या था कि अलग अलग देश अलग अलग सिस्टम को अपना रहे थे। फ्रांस वाला कुछ और अपना रहा था, अंग्रेज का अलग कहानी था। बताइए फुट पाउंड सेकंड, हम लोग भी अंग्रेजों के गुलाम हुए, है ना। तो हम लोग भी क्या किए, अंग्रेजी पद्धति को अपना लिए, है ना, इंग्लिश में बातचीत करना, है ना। जैसे देखिए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सब लोग केक लाते हैं कि नहीं, या फिर कोई भी पार्टी फंक्शन में केक लाते हैं, तो कभी ऐसा सुने कि केक को हम लोग केजी में खरीदते हैं? बेकरी के दुकान पे जाइएगा और केक केजी में लाइएगा, ऐसा तो कभी नहीं करते। केक को हम लोग पाउंड में खरीदते हैं। अब ये बात बेकरी वाला से ही पूछना होगा कि भाई तुम पाउंड में क्यों बेचते हो, अंग्रेज हमारे यहाँ से चले गए कब के, है ना। तो आज भी हम लोग क्या है कि कम से कम बेकरी वाले तो इसको फॉलो कर ही ले रहे हैं, है ना, और ये सेकंड सब में चल रहा था। अब देखिए परेशानी क्या हुआ, मान लीजिए कि आप फ्रांस के रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, फ्रांस के, और वहां पे आप वजन को माप रहे हैं ग्राम में। किस में माप रहे हैं वजन को? ग्राम में। और इंडिया में चल रहा है एमकेएस सिस्टम। इंडिया में क्या चल रहा है? एमकेएस सिस्टम। अब इंडिया में लोग जो हैं वजन को किलोग्राम में मापते हैं। अब आप किलोग्राम का नाम ही नहीं सुने, किलोग्राम का नाम ही नहीं सुने, आप ग्राम का नाम सुने। अब सोच लीजिए कि आप फ्रांस से इंडिया आए और यहाँ पे आपको कोई सामान खरीदना हो और दुकानदार बोले कि बताइए कितना किलोग्राम दे दे, आप कहिएगा कि ये किलोग्राम क्या बोल रहा है, आप कहिएगा कि ग्राम ग्राम बोलो ग्राम, तो वो कहेगा कि ग्राम हम नहीं समझेंगे क्योंकि इंडिया वाले किलोग्राम समझते हैं। तो पूरे विश्व में एक परेशानी हो गया सिस्टम को लेकर के, सब लोग अलग अलग सिस्टम को यूज कर रहा है। ठीक है कि नहीं, सब लोग अलग अलग सिस्टम को यूज कर रहा है, तो एक दिक्कत हो गया। तब देखिए इसके लिए क्या बना, इसके लिए एसआई सिस्टम बना। इसके लिए क्या बना? एसआई सिस्टम बना, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय
प्रणाली। ये कहां पे बना, कहां पे बना, तो देखिए फ्रांस का राजधानी है पेरिस। फ्रांस का राजधानी कहां है? पेरिस। और पेरिस में एक जगह है सेब्रिस। पेरिस में एक जगह है सेब्रिस, वहां पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया और सारे देश उसमें पार्टिसिपेट किए और मुद्दा इसी बात को रखा गया कि भाई पूरे विश्व में है ना मेजरमेंट का जो तरीका चल रहा है वो अलग अलग तरीका चल रहा है, जिससे कि सबको लेकर के परेशानी है। तो क्यों ना हम लोग एक ऐसा सिस्टम बना लें, क्यों ना हम लोग एक ऐसा सिस्टम बना लें कि जिससे परेशानी खत्म हो जाए, सब लोग एक ही सिस्टम को फॉलो करें, है ना। तो उस मीटिंग में यही बात हुआ और वहाँ पे एक सिस्टम बन गया और उसको बोला गया एसआई सिस्टम। और निर्णय यही हुआ कि आज से सारा देश, पूरा देश जो है एसआई सिस्टम पे चलेगा। और इस तरह से आप एक देश से दूसरे देश में जाइए, कहीं भी जाइए, है ना, मेजरमेंट का झमेला खत्म। तो देखिए सेब्रिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस, पेरिस में एक जगह था सेब्रिस, वहां पर 1960 ईस्वी में, कब 1960 ईस्वी में एक मीटिंग हुआ और जिसका नाम बोला गया CGPM, है ना। तो CGPM देखिए एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म आप बोल सकते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, यानी क्या बोल सकते हैं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट 1960 में मीटिंग हुआ और यह निर्णय लिया गया कि हम लोग एसआई सिस्टम पे चलेंगे। और 1971 ईस्वी में इसको स्वीकार कर लिया गया। इसको कब स्वीकार किया गया? 1971 ईस्वी में। अब देखिए इसको पूरा विश्व फॉलो कर रहा था, पूरा वर्ल्ड को फॉलो करना था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, वैश्विक स्वीकार इकाई बोला गया, है ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग से सारे देश जूझ रहे हैं। जैसे ग्लोब, तो ग्लोब में क्या होता है, सारे देश का नक्शा होता है ना। तो इसी तरह से अगर कोई भी चीज सारे वर्ल्ड के लिए इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ग्लोबल। तो देखिए एसआई सिस्टम को भी पूरा देश फॉलो कर रहा था, है ना, इसीलिए इसे क्या बोला गया, ग्लोबली एक्सेप्टेबल यूनिट। मीटिंग कब हुआ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1960 में, है ना। उस मीटिंग का नाम क्या था, तो CGPM, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कब किया गया, तो 1971 में। अब देखिए एसआई सिस्टम में जो है यहां पर एक लोगो है, तो इस लोगो को बताएंगे। तो एसआई सिस्टम में क्या बोला गया कि भाई अब हम फंडामेंटल यूनिट को बनाएंगे। एसआई सिस्टम ये मीटिंग हुआ कि हम लोग फंडामेंटल यूनिट बनाएंगे और उसको सब लोग मेजर करें, उसको सब लोग इंप्लीमेंट करेगा, सब लोग यूज में लाएगा। यानी कि देखिए टाइप्स ऑफ यूनिट, तो एसआई, देखिए यूनिट दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव। अब उस एसआई सिस्टम में जब बैठक हुआ तो वहां पे बोला गया कि आज से हम लोग फंडामेंटल यूनिट बनाएंगे। क्या बोला गया, फंडामेंटल यूनिट बनाएंगे। और उस समय ये 7 फंडामेंटल यूनिट बना लिया गया और बोला गया कि आज से हम लोग इसी 7 यूनिट को फॉलो करेंगे, जिसमें देखिए लेंथ, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, लंबाई। तो बोला गया कि लंबाई को आज से हम लोग मीटर में मापेंगे, किसमें, मीटर में। इसका सिंबल होगा एम। फिर देखिए ये जो मास है, यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान, तो बोला गया कि द्रव्यमान को आज से किलोग्राम में मेजर करना है, किसमें, किलोग्राम में। इसका सिंबल केजी। फिर बोला गया कि अगर किसी को समय मापना हो, है ना, टाइम, तो समय को हम लोग किस में मेजर करेंगे, तो सेकंड में, सेकंड में। इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एस से दिखाएंगे। टेम्परेचर को केल्विन में मापना है, ठीक है, और इसको के से दिखाएंगे। इसके बाद करंट, ठीक है ना, टेम्परेचर यानी कि तापमान, देखिए टेम्परेचर यानी कि ये क्या हो गया,
तापमान, करंट यानी कि विद्युत धारा, करंट यानी कि विद्युत धारा। तो करंट को किस में मापेंगे? तो एम्पियर में। करंट को एम्पियर में मापेंगे और इसको लेटर ए से दिखाएंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। तो ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मापना है, दिखाएंगे सीडी से। इसके बाद एक है अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इसको बोलते हैं पदार्थ की मात्रा, ठीक है ना, पदार्थ की मात्रा। तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में मेजर करना है और इसको एम ओ एल से दिखाएंगे। तो ये सात फंडामेंटल यूनिट बन गया था। लेंथ, देखिए लेंथ को हम लोग टेप से मेजर करते हैं, इंची टेप से। इसके बाद मास मापना है, तो देखिए वेइंग मशीन है ना, वजन मापने वाला मशीन है, वेट मेजर कर लीजिए। इसके बाद अगर आपको टाइम मापना है तो घड़ी है आपके पास, समय को मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर के लिए देखिए थर्मामीटर वगैरह है ना। तो ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। और ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हैं कि नहीं। करंट मेजर करना है तो देखिए यहां पर एक डिवाइस होता है एमीटर, है ना, सबके घरों में होगा, मोटर का स्टार्टर में लगा होता है। तो देखिए यहां पर एक डिवाइस होता है इस तरह का, देखिएगा, है ना। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे नंबरिंग रहेगा, एक यहाँ पे कांटा रहेगा और ए लिखा हुआ रहता है, तो इसी को बोलते हैं एमीटर। एमीटर से करंट मापते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ये वर्ड आपका आया है कैंडल से, कैंडल से बना कैंडेला। तो जैसे देखिएगा क्रिकेट का जो मैच होता है, क्रिकेट का जो मैच होता है तो उसमें अगर एक भी लाइट अगर खराब हो जाता है तो मैच को तुरंत एम्पायर कैंसिल कर देता है कि नहीं। मैच नहीं हो सकता अगर एक भी लाइट खराब हो गया तो। क्यों? एम्पायर को कैसे पता चल गया कि भाई ग्राउंड पर लाइट कम है? तो उसके हाथ में एक डिवाइस होता है, देखिए हाथ में एक डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग फोटोमीटर। क्या बोलते हैं? फोटोमीटर। हिंदी में भी इसको फोटोमीटर कहते हैं। तो देखिएगा अंपायर के हाथ में एक डिवाइस रहता है और वो लेकर के पूरे फील्ड में घूमेगा और कहीं कहीं पे ग्राउंड पे देखते रहेगा कि यहाँ पे लाइट का इंटेंसिटी क्या है, यानी कि यहाँ पे प्रकाश कितना फॉल कर रहा है, और उसको जरा सा भी कहीं पे कमी नजर आएगा, है ना, तो तुरंत मैच को कैंसिल कर देगा। तो ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका बन रहा है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग किस डिवाइस से मेजर कर सकते हैं? तो याद रखिएगा फोटोमीटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को फोटोमीटर। इसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम लोग किस में मेजर करेंगे? मोल में। किस में? मोल में, एम ओ एल से दिखाएंगे। जैसे मोल क्या है इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए कि आप बाजार गए और बाजार से एक केजी नमक खरीद करके लाए और आपसे कोई पूछे कि चलो गिन करके बताओ कि इस एक केजी नमक में कितना दाना है, कितने क्रिस्टल्स हैं, छोटे छोटे दाने, तो क्या आप उसको गिन पाइएगा? नहीं गिन पाइएगा, है ना, ठीक है ना। तो आप उसको नहीं काउंट कर सकते। तो उसी के लिए मोल बनाया गया, जो कि आप मोल कंसेप्ट पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। तो देखिए नमक क्या है? तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन का, है ना। नमक क्या है? NaCl। तो एक सोडियम और एक क्लोरीन का एटॉमिक वेट निकाल लीजिए, परमाणु भार निकाल लीजिए, तो सोडियम का कितना हो जाएगा? 23, ठीक है ना, और क्लोरीन का कितना हो जाएगा? 35.5, 35.5। दोनों को जोड़ लीजिए और जैसे एक केजी आप चीनी लाए थे तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करके भाग लगा दीजिए, तो वो आपका आ जाएगा मोल में। और जब मोल में आ जाएगा तो एक नंबर है मोल का, उसे गुना कर दीजिए, आपको पार्टिकल मालूम चल जाएगा। तो वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। तो याद रखिएगा अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मोल में मेजर करेंगे, ठीक है ना, और एम ओ एल से दिखाएंगे। एक मोल में कितना पार्टिकल होता है याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा एक मोल में जो है 6.023 × 10³ एटम होते हैं। 6.2023 गुणा में 10³³, इतने एटम होते हैं एक मोल में, ठीक है ना।
तो ये था हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट और एसआई सिस्टम का जो बैठक चला था 1960 में, जिसे 1971 में स्वीकार किया गया, बोला कि भाई ये 7 फंडामेंटल यूनिट को हम लोग अब एक्सेप्ट करते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट को आज से हम लोग स्वीकार करते हैं और इसी से सारा फिजिक्स का क्वांटिटी मेजर कर लेंगे, है ना। सब लोग चाय पानी पिए, मीटिंग ऑफ हुआ, सब लोग चले गए। दिक्कत कहाँ पे आया, तो देखिए दिक्कत क्या आ गया कि जब आप मान लीजिए कि किसी, अगर ये कोई सर्किल है मान लीजिए, ठीक है, ये कोई सर्किल है और ये सर्किल का ये जो आपका सर्कमफेरेंस यानी कि परिधि है, यानी कि जब आप परिधि पे चलते हैं, ठीक है ना, जैसे आप यहाँ पर थे और इस पॉइंट से यहाँ पर इतना दूरी को आप तय किए, तो जब किसी वृत्त की परिधि पे आप चलते हैं, ठीक है, तो कुछ दूरी किए तो यहाँ पे केंद्र पे कुछ कोण बनेगा कि नहीं, तो इस कोण को दिखा दिए थीटा से, और ये जो परिधि पे आप दूरी तय किए इसको एल से दिखाए, एल क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई, और ये क्या है आपका, तो ये है रेडियस, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या, ठीक है। तो अगर यहां से आपको कोण निकालना है तो कोण कैसे निकालेंगे, तो ये समस्या आ गया। अब लोग खोजना शुरू किए फंडामेंटल यूनिट को कि कहां है यूनिट, कहां यूनिट, तो कोई यूनिट ऐसा मिला नहीं। फिर चलिए बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड कोण है, देखिए सॉलिड कोण कहने का मतलब कि जैसे तारबूज सब लोग देखे होंगे, तो मान लीजिए कभी कभी मार्केट से आपको तारबूज खरीदना होता है तो क्या कहते हैं कि काट करके दिखाओ लाल है कि नहीं, तो तारबूज वाला जब बीच से कट करके निकालेगा तो देखिए यहां पर कुछ कोण बनेगा कि नहीं, है ना। तो देखिए ये है सॉलिड कोण, यानी कि थ्री डायमेंशनल, तीन बीमीय फिगर के लिए होता है, और ये प्लेन एंगल जो है ये 2D फिगर के लिए होता है। तो ना तो हम ठोस कोण निकाल पा रहे थे और ना तो हम समतल कोण को निकाल पा रहे थे। तब फिर से बैठक हुआ वहीं फ्रांस का राजधानी पेरिस में, जगह सेब्रिस, और बोला गया कि भाई हम लोग तो फंडामेंटल यूनिट के हेल्प से एंगल को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो बोला कि हाँ ये तो वाकई में समस्या है। तब फिर वहां पर उस बैठक में क्या हुआ कि दो अलग से यूनिट जोड़े गए और जोड़कर के ये बोला गया कि अब जो है यूनिट हमारा कंप्लीट हो गया, इसीलिए इसको क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री यूनिट पूरक इकाई। क्या बोला गया, सप्लीमेंट्री यूनिट पूरक इकाई, जिसमें प्लेन एंगल को किसमें मापा गया, तो प्लेन एंगल का यूनिट याद रखिएगा होता है रेडियन, किसमें मापा गया, रेडियन में, इसको आप RAD से दिखा सकते हैं, ठीक है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं रेडियन, ठीक है ना। इसके बाद जो सॉलिड एंगल है, तो बोला गया कि सॉलिड एंगल को किसमें मेजर करेंगे, तो सॉलिड एंगल के लिए जो यूनिट बना वो था आपका एस्टे रेडियन, एस्टे रेडियन, इसको SR से दिखाया गया, ठीक है, हिंदी में भी इसको बोलते हैं एस्टे रेडियन, एस्टे रेडियन, ठीक है। तो जैसे देखिए प्लेन एंगल में आप अगर परिधि पे कुछ दूरी तय करते हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि इसको बोले L, जो तय दूरी है उसको बोले चाप की लंबाई, और ये है वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे अगर आपको कोण निकालना है तो कोण के लिए आप लोग फॉर्मूला सीखे होंगे, थीटा इज इक्वल टू L/R, यानी कि चाप की लंबाई बटा में त्रिज्या। अगर यहाँ पे आपको ये एंगल निकालना है, अगर यहाँ पे ये एंगल निकालना है, सॉलिड कोण निकालना हो, यानी कि एस्टे रेडियन निकालना हो, तो यहाँ पर थीटा क्या हो जाएगा, तो देखिए सरफेस एरिया बटा में रेडियस का स्क्वायर हो जाता है, यानी कि सरफेस सतह का जो क्षेत्रफल हो जाएगा उसको भाग लगा दीजिए त्रिज्या के वर्ग से, तो आप यहां से सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। तो देखिए 7 फंडामेंटल यूनिट हमारे पास कौन कौन थे, लेंथ, मास, टाइम, करेंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टांस। बाद में जब दिक्कत हुआ कोण निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए, तो दो यूनिट और ऐड कर लिए गए, जिसको क्या बोले, सप्लीमेंट्री एंगल, और यहां से हमारा जो है यूनिट कंप्लीट हुआ। यानी कि फिजिक्स में
अब हम जब भी किसी यूनिट का बात करेंगे, अगर आपको बोले कि लंबाई मापिए, फिजिक्स में अगर हम जब भी आपको बोले कि लंबाई मापिए तो किस में मेजर करना है, मीटर में। अगर आप मास मेजर कर रहे हैं तो किस में करेंगे, केजी में। टाइम मेजर कर रहे हैं तो किस में यूनिट लेंगे, सेकेंड में। टेम्परेचर तापमान के लिए यूनिट केल्विन, करंट के लिए यूनिट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूनिट कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस के लिए यूनिट मोल। यानी कि जब भी आपसे बात किया जाए यूनिट निकालने के लिए तो आज से हम लोग इन्हीं का यूज करेंगे। एंगल के लिए जैसे मान लीजिए कि प्लेन एंगल निकालना है तो रेडियन में बात करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, देखिए पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। इसी तरह से इसको आधा कर दीजिए तो पाई बाई टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरह से आप लोग सीखे होंगे मैथ में पाई बाई थ्री कितना होता है, 60 डिग्री। पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, तो 45 डिग्री, है ना। तो कोण को किस में मेजर करना है, रेडियन में, और सॉलिड कोण यानी कि ठोस कोण को मेजर करना है एस्टेरेडियन, ठीक है ना। तो यहां से हमारा फंडामेंटल यूनिट कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए यूनिट से कितने पार्ट थे, दो पार्ट, तो दूसरा कौन सा है, डेराइव्ड यूनिट। तो ये फंडामेंटल यूनिट जो होता है ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होता है, आत्मनिर्भर होता है ना, किसी पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब डेराइव्ड यूनिट जो है ये किसी ना किसी पे डिपेंड करेगा, यानी कि डेराइव्ड यूनिट इसको बोलते हैं व्युत्पन्न इकाई। व्युत्पन्न इकाई इसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न इकाई। अगर इसका डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं द यूनिट दैट इज डिराइव्ड बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। यानी कि मूल इकाई से, है ना, मूल इकाई से द यूनिट दैट इज डिराइव बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, यानी कि मूल इकाई के मदद से जो भौतिक राशि हम लोग निकालते हैं वही क्या है, व्युत्पन्न इकाई है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिए, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो जैसे देखिए एरिया, एरिया जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। एरिया क्या हो गया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि आप बोल सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को गुना करेंगे, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए लंबाई को हम लोग किस में मेजर करेंगे, मीटर में, अभी सीखे तो लंबाई के लिए मीटर। अगर ब्रेथ चौड़ाई, तो चौड़ाई भी क्या है, एक तरह से लेंथ ही है, लंबाई ही है। तो चौड़ाई भी अगर एक तरह से आपका लंबाई है तो चौड़ाई को भी हम लोग किस में मेजर करेंगे, मीटर में। तो मीटर गुना मीटर क्या हो गया, तो आप कहिएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि देखिए एरिया के लिए हम लोग कोई यूनिट नहीं सीखे, फंडामेंटल यूनिट साथ बनाए, इसके अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट था। अब यहां से हम लोग एरिया कैसे निकाल पाए, तो उन्हीं फंडामेंटल यूनिट के मदद से। जैसे लेंथ और ब्रेथ, लेंथ क्या है, फंडामेंटल यूनिट, और ब्रेथ भी एक तरह से लेंथ ही है, लंबाई ही है, और लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में। तो क्या हो गया, मीटर गुना मीटर, मीटर का स्क्वायर। इसी तरह से जैसे अगर आपसे हम बोलें कि चलिए वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम यानी कि आप इसको बोल सकते हैं आयतन, वॉल्यूम को क्या बोल सकते हैं, आयतन। तो देखिए आयतन कैसे निकलता है, तो देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी कि आप बोल सकते हैं लंबाई गुना चौड़ाई
गुना ऊंचाई, है कि नहीं। तो देखिए लंबाई क्या है, तो आपका लेंथ है, तो लंबाई को मीटर में मापते हैं। ब्रेथ चौड़ाई भी क्या है, एक तरह से लंबाई ही है, तो इसके लिए भी मीटर। ऊंचाई क्या है यानी कि हाइट, यह भी एक तरह का लंबाई ही है, तो इसके लिए भी क्या यूज करेंगे, मीटर। तो देखिए मीटर गुना मीटर गुना मीटर, तो मीटर कितने बार आया, 3 बार, यानी कि मीटर लिखिए और इसका पावर 3 कर दीजिए। तो सोचिए वॉल्यूम के लिए भी कोई यूनिट नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी इसका हम लोग यूनिट निकाल लिए। कैसे निकाले, तो बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट, है ना, मूल राशि की मदद से इसका निकाले, ठीक है। इसी तरह से जैसे ही आपका हो गया एरिया, हो गया वॉल्यूम, हो गया, इसी तरह से जैसे अगर आप चाहें तो डेंसिटी का निकाल सकते हैं। जैसे आपको डेंसिटी निकालना हो, मान लीजिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, घनत्व, डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व। तो डेंसिटी क्या होता है, तो देखिए मास बटा में वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बटा में वॉल्यूम। मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, और वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, आयतन। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट में हम लोग, फंडामेंटल यूनिट में हम लोग मास को किस में मेजर किए, द्रव्यमान को किस में मापे, तो केजी में। देखिए देखिए यहां पर जो आपका मास है, देखिए ये आपका जो मास है, यहां पर मास को हम लोग ये जो मास है आपका, मास को किस में मेजर किए, केजी में, है ना। तो अब यहां पर देखिए, मास को किस में मापते हैं, केजी में, तो मास के लिए लिखेंगे केजी। और वॉल्यूम का भी निकाले थे, देखिए वॉल्यूम का भी क्या निकाले, तो मीटर का क्यूब। वॉल्यूम का क्या निकाले, मीटर का क्यूब आयतन का। तो देखिए वॉल्यूम की जगह पे क्या लिख देंगे, मीटर क्यूब, यानी कि ये क्या बन गया, केजी पर मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति घन मीटर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर का पावर -3। देखिए ये मीटर क्यूब नीचे में था तो पावर 3 था, इसको ऊपर लेके चले गए तो इसका पावर क्या हो गया, माइनस में, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपको बोलें कि स्पीड निकालिए, स्पीड, स्पीड क्या होता है, चाल। अगर आपसे बात करें स्पीड निकालने के लिए, यानी कि चाल निकालने के लिए, तो स्पीड क्या होता है, तो देखिए डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस यानी कि दूरी बटा में समय, दूरी बटा में क्या हो जाएगा, समय, ठीक है ना। तो दूरी क्या है, तो एक तरह का लंबाई है, और लंबाई को हम लोग किस में मापेंगे, तो मीटर में, तो लंबाई के लिए हो गया मीटर। और ये जो टाइम है, तो टाइम को किस में मापेंगे, सेकंड में, यानी कि देखिए यहां से यूनिट क्या बन गया, तो मीटर प्रति सेकंड। ये सेकंड का पावर 1 है, ऊपर लेकर के चले गए तो पावर माइनस में आ गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, ये भी आपका सही है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे तो कंफ्यूज करना नहीं है, क्योंकि ये जो आप सेकंड देख रहे हैं इसी को ऊपर लेके चले गए तो पावर माइनस हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे अगर आपसे निकालने के लिए बोल दिया जाए वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी बताइए यानी कि वेग। तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, तो वेलोसिटी होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, विस्थापन बटा में समय। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये भी एक तरह का दूरी ही है, तो इसको किस में मापेंगे, मीटर में।
और टाइम के लिए सेकेंड, तो ये क्या बन गया हमारा मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहां से कैसे क्वेश्चन बनता है, यहां से जो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन देता है, निम्नलिखित में से दी हुई राशियों का इकाई समान है, अब उसको खोजना है, यानी कि आपको ढेर सारा यूनिट दे देगा और बोलेगा कि इसमें कुछ यूनिट जो है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो है उसका यूनिट सेम है, तो कैसे पहचाने। तो देखिए स्पीड का आप क्या निकाले, मीटर प्रति सेकेंड, वेलोसिटी का भी क्या आ गया मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ये स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या है, तो सेम है, ठीक है ना। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का यूनिट क्या है, सेम है, ठीक है ना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। और जैसा कि आप लोगों को पहले भी इन्फॉर्मेशन दिए थे, ठीक है ना, कि अगर आप लोग इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं पेड कोर्स के लिए, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, है ना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7870721111, ठीक है ना। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे पेड कोर्स के लिए, ठीक है ना, ये ऑफिशियल नंबर है, बाकी सारे डिटेल आप लोगों को यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है ना। जिनको भी पेड कोर्स लेना है आप लोग ले सकते हैं, और बाकी यहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वेलोसिटी हो गया, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जैसे एक्सीलरेशन आपसे कोई पूछ दे, त्वरण, जैसे देखिए एक्सीलरेशन, जैसे एक्सीलरेशन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्वरण, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, तो ये होता है वेलोसिटी बाय टाइम, क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, तो वेलोसिटी बाय टाइम बोलिए या फिर चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम बोलिए, निकल सकता है यहां से। तो देखिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, डेल्टा वेलोसिटी, इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो देखिए वेलोसिटी का अभी आप क्या निकाले थे, मीटर प्रति सेकेंड, तो यहां पे लिख दीजिए मीटर प्रति सेकेंड, और नीचे समय का यूनिट क्या हो जाएगा टाइम का, तो सेकेंड, यानी कि ये क्या बन गया, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर में यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में जो है आप लोगों को डायमेंशन बताया जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।